हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र ने दो शादियां की है। पहली शादी प्रकाश कौर से तो दूसरी शादी एक्ट्रेस हेमा मालिनी से। पहली पत्नी से धर्मेंद्र की चार संतानें हैं। सनी देओल और बॉबी देओल पहली पत्नी के ही बेटे हैं। पिता की दूसरी शादी के बाद सालों तक सनी देओल और उनकी सौतेली माँ हेमा मालिनी के बीच रिश्ते खराब रहे। 1980 में धर्मेंद्र ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना हेमा से दूसरी शादी रचाई थी। इसके लिए दोनों ने इस्लाम धर्म कबूला था। कहा जाता है कि प्रकाश कौर धर्मेंद्र को तलाक देने के लिए राजी नहीं थी। सनी देओल की माँ ने तब एक इंटरव्यू में कहा था कि हेमा मालिनी के कारण ही उनके पति उनसे अलग हो गए। वही बात अगर हेमा मालिनी की जाए तो उन्होंने प्रकाश कौर के लिए कहा था कि उन्होंने कभी धर्मेंद्र को उनके पहले परिवार से अलग नहीं किया। एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने कहा था, मैंने धर्म जी से शादी जरूर की थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि शादी से किसी को भी कोई दुख पहुंचे। उनकी पहली पत्नी और बच्चों ने कभी अपनी जिंदगी में मेरा दखल महसूस नहीं किया। मैंने धर्मेंद्र को शादी के बाद भी कभी अपने पहले परिवार से अलग नहीं किया। बता दें कि सनी देओल पिता की दूसरी शादी से काफी खफा थे। हालांकि सालों तक नाराजगी के बाद चीजें सामान्य होती गई। अब सनी देओल और हेमा मालिनी के बीच भी रिश्ते अच्छे नजर आते हैं।